तो कैसे हो आप लोग? मुझे पता था यार आप वीडियो पर क्लिक किए बिना रह नहीं सकते हो। आप वीडियो में बच्चों दी ना हो वो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा तो हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 की। मैं जेन्युइन बताऊँ ना, मैंने जितना भी बिग बॉस इंस्टाग्राम पर देखा है ना, मुझे सबसे मस्त बंदा जो लगा है वो अपने बाबू भैया, क्योंकि भाई ने जाते ही तहलका मचा दिया। आपको नहीं पता कैसे? भाई की मैंने जब रील इंस्टाग्राम पर देखी ना, मेरा हंस का पेट दुखने लगा। और ये दर्द मैं आपको भी देना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे माफ करना। अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर इस ग्रुप से इस घर से दूसरे वाला नॉमिनेट करना है, दूसरे ग्रुप से इस वाला नॉमिनेट करना है, तो अगर तू मेरे मैं तेरे अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो तो क्यों ना आप सभी मोहल्ले के चौक सारी उम्र मैं जो बाबू भैया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई अपना एक राइडर है और जब वो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड 100 या 150 होती है, तो उनका दिमाग भी उसी स्पीड से चल रहा है। 1 सेकंड में यहाँ तो 2 सेकंड में कहीं और, उसमें गलत क्या है यार? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। डुप्लीकेट पार्वती नहीं, क्या है परिणीति चोपड़ा सो। अच्छा तू बड़ा जानता है। मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ है, बट आई डोंट नो सर। बाहर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शिकायत किसके लिए? इसके लिए। मेरे को डांस करना नहीं आता सर। ये देखो डांस ये होता है नील। ये भी देख लिया कि विनिंग मटेरियल को कितनी चाह है सीखने का। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और इतना सब बोलने के बाद भी अपने बाबू भैया को गुस्सा नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? भाई दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो अब इन सब चीजों से। आई स्वेयर ब्रो दिमाग खराब हो रहा है। आज लक्ष्मी बम भी फट गया। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई। अगर आप चाहते हो मेरे फेवरेट यूक राइडर के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हो। और यही बात की जाए तो मुनावर की, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि जब तक कोई वाइल्ड कार्ड नहीं आता तब तक एक तरफा बनेर अपना मुनावर है। तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू? नहीं नहीं माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।